हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोमिया शक्ति के कैप्सूल के बारे में, जो कि इस कैप्सूल को कैंसर समस्याओं में प्रयोग की जाती है, जो कि आगे बात करेंगे इसके बारे में। और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, कैसे यूज करना है और क्या इसका साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये लोमिया शक्ति की कैप्सूल जो कि सन फार्मा कंपनी की है, और इसके प्राइस की बात करें तो 275 रुपए है, जो कि एक सिस्टम में 8 कैप्सूल अवेलेबल है। दोस्तों ये आपको किसी भी केमिस्ट पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। तो जब देखते हैं कॉली कैल्सिफ्रोल विटामिन D3, और इधर देखते हैं कॉली कैल्सिफ्रोल विटामिन D3 60,000 IU। दोस्तों कॉली कैल्सिफ्रोल और विटामिन D3 ये दोनों एक ही होती है। दोस्तों इस दवा को कैंसर समस्याओं में प्रयोग की जाती है, जो कि विटामिन और कैल्शियम की कमी को दूर करता है, जिससे कि हमारे बोन हड्डी मजबूत हो जाते हैं और हम फिट और स्वस्थ रहते हैं। चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं इस कैप्सूल को। नंबर 1, दोस्तों इसको हड्डियों के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। नंबर 2, कैल्शियम की कमी हो तो उसमें यूज कर सकते हैं। नंबर 3, विटामिन D3 की कमी हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। नंबर 4, हड्डियों को ताकत देता ही है, जैसे कि किसी किसी के हड्डी कमजोर होते हैं उसमें से आवाज आती है तो वो लोग यूज कर सकते हैं। नंबर 5, थकान हो, कमजोरी हो हड्डियों में तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। नंबर 6, जोड़ों वगैरह में दर्द रहता हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं, वो कैल्शियम की कमी से रहता है। नंबर 7, मांसपेशियों में दर्द हो। नंबर 8, दांतों में प्रॉब्लम हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। नंबर 9, हड्डी कमजोर हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको इन सभी प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, कैल्शियम की कमी हो या जोड़ों वगैरह में दर्द हो तो उसमें यूज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में, यूज कैसे करें। तो दोस्तों इसको कंडीशन के हिसाब से यूज किया जाता है। हफ्ते में एक बार दूध के साथ या पानी के साथ, दोनों के साथ ले सकते हैं, तो आप हर हफ्ते यूज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में, अगर ये आप यूज करें तो बातें ध्यान रखें। नंबर 1, अगर आप पहले से कोई मल्टीविटामिन सिरप या टैबलेट ले रहे हैं तो इसका यूज ना करें। नंबर 2, लीवर किडनी वाले पेशेंट भी यूज ना करें इसको। नंबर 3, प्रेग्नेंट लेडी भी यूज ना करें बिना डॉक्टर के एडवाइस से। नंबर 4, यूज करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों इसे कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है, बार दफा कोई केस में ये दिखे जैसे कि हेडेक, लूज मोशन, वॉमिटिंग। ठीक दोस्तों, ये था इसका हमारे वीडियो लूमिया 60 के कैप्सूल के बारे में। फिर नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।